जो हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन और हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो बच्चों जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जहां पर थ्री ब्लॉक्स हैं, द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज कैपिटल एम और ये दो ब्लॉक हैं जिनके की मास स्मॉल एम है और ये एम मास का ब्लॉक इस ब्लॉक पर रखा हुआ है और ये दूसरा जो बी ब्लॉक है जिसका भी मास एम है ये इस स्ट्रिंग के थ्रू इस पुली से होकर जाता है और इस ए ब्लॉक से कनेक्टेड है और दोनों ब्लॉक ए और बी इन दोनों ब्लॉक्स और ये जो बिगर ब्लॉक है इसकी सरफेस के बीच में यानी जहाँ पर फ्रिक्शन है एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्लॉक ए एंड सी एंड द सरफेस ऑफ ब्लॉक बी एंड सी इज म्यू और बिगर ब्लॉक और लोअर सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है यानी जो लोअर सरफेस है वो आपकी स्मूथ है और इस सी ब्लॉक जिसका की मास एम है इस पर राइट डायरेक्शन में एक फोर्स एफ लगता है तो इस फोर्स एफ की हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी इस ब्लॉक सी के रेस्पेक्टिवली रेस्ट में रहें यानी ए और बी ब्लॉक इस सी ब्लॉक पर स्लाइड ना करें। बच्चों इस क्वेश्चन को हम सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे यानी हम ब्लॉक ए और ब्लॉक ए की मोशन को एक्सीलरेटिंग फ्रेम से एनालाइज करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं इस अप्लाइड फोर्स की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो बच्चों कंसीडर किया कि आपका ये सिस्टम ए एक्सीलरेशन से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बच्चों आपके एम मास और दिस एम मास के ब्लॉक पर एक्सीलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा यानी एम ए इन लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ दिस मास एम मास ब्लॉक एंड एम ए इन लेफ्ट डायरेक्शन ऑन दिस एम मास ब्लॉक। यानी आप केयरफुली देखिए बच्चों इस एम ए फोर्स की यानी सूडो फोर्स की टेंडेंसी कुछ इस तरह से होगी कि ये इस एम मास के ब्लॉक को लेफ्ट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा और अगर ये एम मास का ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी में होगा तो ये आपका हैंगिंग ब्लॉक जिसका कि मास एम है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये एम मास का ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी में हो और ये जो आपका सूडो फोर्स है ये इसको रोक रहा हो। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए जहाँ पर इस बी ब्लॉक के लिए दो सिचुएशन पॉसिबल हैं या तो ये बी जिसका कि मास एम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी में हो या ये एम मास का ब्लॉक जो कि बी ब्लॉक है जिसकी टेंडेंसी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की हो। बच्चों ये डिपेंड करेगा आपका इस एम ए मास के यानी एम मास के ब्लॉक पर लगने वाले सूडो फोर्स की वजह से एज वेल एज जो इस एम मास के ब्लॉक पर सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो बच्चों इन दोनों सूडो फोर्स की वजह से इस बी ब्लॉक की टेंडेंसी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये बी ब्लॉक आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी में है या ये बी ब्लॉक आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी में है। तो हमने कंसिडर किया कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन आपकी टी है सो टेंशन टी इन दिस स्ट्रिंग। तो बच्चों ध्यान से देखिए अगर टेंशन की वैल्यू कम है तो इस एम मास के ब्लॉक की टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की होगी और टेंशन अगर ज्यादा है तो इस एम मास के ब्लॉक की टेंडेंसी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की होगी। तो बच्चों सबसे पहले मैं इस ए और बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूं। तो बच्चों ये ए ब्लॉक के लिए और ये बी ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम की कुछ कंडीशंस हैं। तो बच्चों मैं फोर्स की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं यानी इस अप्लाइड फोर्स की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो बच्चों ये अप्लाइड फोर्स जब मिनिमम है तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन टी है ये बस इतनी ही है कि इस एम टू मास के ब्लॉक को नीचे जाने से रोके यानी इस एम मास के ब्लॉक की टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की हो और अगर इस एम मास यानी इस बी ब्लॉक की टेंडेंसी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की होगी तो बच्चों टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी और उस केस में जो अप्लाइड फोर्स एफ है ये मैक्सिमम होगा।
तो मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ की बात कर रहा हूं, तो बच्चों इस बी ब्लॉक की टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की है। तो आप देख रहे हैं इस बी ब्लॉक पर सूडो फोर्स एम ए लग रहा है जो कि इस सरफेस के साथ में कॉन्टैक्ट में है। तो इस ये एम मास का ब्लॉक इस सरफेस पर एम ए फोर्स लगा रहा है, तो ये सरफेस भी इस एम मास के ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन एन टू अप्लाई करेगी। और आप केयरफुली देखिए बच्चों, इस एम और कैपिटल एम मास के ब्लॉक की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है। तो बच्चों जब ये एम मास का ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी में होगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स दैट इज द म्यू इनटू एन टू इस एम मास के ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और आप देख रहे हैं इस ए ब्लॉक और सी ब्लॉक की सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन है, और इस ए ब्लॉक की टेंडेंसी जब राइट डायरेक्शन में मूव करने की होगी, यानी बी ब्लॉक की टेंडेंसी जब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की होगी, तो इस ए ब्लॉक की टेंडेंसी राइट डायरेक्शन में मूव करने की होगी, और इस ए ब्लॉक पर लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सो दैट इज द म्यू इनटू एन वन। बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब फोर्स की वैल्यू मिनिमम होगी, इस बी ब्लॉक की टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की होगी, और इस ए ब्लॉक की टेंडेंसी राइट डायरेक्शन में मूव करने की होगी, तो इस ए ब्लॉक पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स दैट इज द म्यू एन वन लगेगा, और इस बी ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन टू लगेगा। और आप देखेंगे एम जी तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा होगा, यानी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, सो फ्रिक्शन फोर्स दैट इज द म्यू एन वन। तो यहाँ पर ये ए और बी ब्लॉक के लिए कम्प्लीटली फ्री बॉडी डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो बच्चों जब ये बी ब्लॉक रेस्ट पर है और इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की है, तो बच्चों इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एम जी इक्वल टू म्यू इंटू एन टू प्लस टी, और जो एन टू की वैल्यू होगी दिस एन टू दैट इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहां से बच्चों हम एन टू की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो दिस एम जी इक्वल टू म्यू इंटू एम ए प्लस टी। तो कंसीडर किया बच्चों, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं इस ए ब्लॉक की बात करता हूं जो कि इस सी ब्लॉक के रेस्पेक्टिवली रेस्ट पर है। तो बच्चों देखेंगे आप जो राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सो दैट इज द टेंशन टी दैट इक्वल टू एम ए दैट इज द सूडो फोर्स प्लस म्यू इनटू एन वन। और जहां पर बच्चों एन वन की वैल्यू इसके वेट के इक्वल होगी, सो एन वन इक्वल टू एम जी। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम हेयर इन दिस इक्वेशन, सो दिस टी इक्वल टू एम ए प्लस म्यू इंटू एम जी। कंसिडर किया बच्चों, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो जहां से हम दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट, सो दैट इक्वल टू एम जी इक्वल टू म्यू एम ए प्लस एम ए प्लस म्यू एम जी। तो बच्चों अगर इस पूरी इक्वेशन से मैं एम को इलिमिनेट करूं, सो दैट इक्वल टू जी इक्वल टू म्यू ए प्लस म्यू जी। सो फ्रॉम हेयर दैट इज द ए वन प्लस म्यू दैट इक्वल टू जी वन माइनस म्यू। सो फ्रॉम हेयर द एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वन माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू इंटू जी। यानी आप देख रहे हैं इस एफ फोर्स अप्लाई करने के बाद में इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, एंड द मास ऑफ द सिस्टम दैट इज द कैपिटल एम प्लस एम प्लस एम। सो अप्लाइड फोर्स एफ
that equal to total mass of the system. So this is the m plus mass of block A plus mass of block B into A, and this is the minimum value of force. So from here, F minimum equal to m plus 2m into A, so A is 1 minus mu g upon 1 plus mu. So this is the minimum value of force. यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स का मतलब है कि ये इस ए ब्लॉक की टेंडेंसी राइट डायरेक्शन में मूव करने की है और इस बी ब्लॉक की टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की है। अब बच्चों हम देखेंगे इस सी ब्लॉक पर जिसका कि मास एम है, अप्लाइड फोर्स एफ मैक्सिमम हो जिससे कि आपका ए और बी ब्लॉक इस सी ब्लॉक के रेस्पेक्टिवली रेस्ट पर हैं। तो हम दोबारा से कंसीडर करते हैं बच्चों, अब हम एफ की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो मैंने कंसीडर किया कि बच्चों ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस एम मास के ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स दैट इज द एम ए लग रहा होगा और इस बी ब्लॉक पर जिसका कि मास एम है इस पर भी सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन बच्चों इस सरफेस से इस एम मास के ब्लॉक पर होगी। तो कंसीडर किया कि दैट इज द एन वन और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लग रहा होगा। अब अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो इसका वेट भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी होगा और नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, ये आपका एन टू है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो बच्चों देखिए, जब इस ब्लॉक यानी इस सी ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स एफ मैक्सिमम होगा यानी एक सर्टेन वैल्यू तक होगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड आउट करनी है जिससे कि ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पर रहें। तो बच्चों इस केस में जो सूडो फोर्स की वैल्यू होगी वो इतनी होगी कि इस ए ब्लॉक जिसका कि मास एम है इसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कराने की टेंडेंसी में हो और ये बी ब्लॉक की टेंडेंसी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की हो। और अब मैं ए और बी ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो बच्चों केयरफुली देखिए, जब इस ए ब्लॉक की टेंडेंसी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने की होगी तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स दैट इक्वल टू म्यू एन टू राइट डायरेक्शन में लग रहा होगा और जब इस बी ब्लॉक की टेंडेंसी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की होगी तो इस ब्लॉक पर इस सरफेस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स दैट इज द म्यू एन वन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये आपके फ्री बॉडी डायग्राम्स हैं और ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक इस सी ब्लॉक के रेस्पेक्टिवली रेस्ट पर हैं। तो बच्चों अब हम इसके लिए बैलेंसिंग कंडीशन की इक्वेशन लिखते हैं। सो फ्रॉम हेयर फॉर द ब्लॉक ए दिस एम ए दैट इक्वल टू टेंशन टी इन राइट डायरेक्शन प्लस म्यू एन टू, सो फ्रॉम हेयर दिस एन टू इक्वल टू एम जी। तो बच्चों मैं यहाँ पर एन टू की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सो फ्रॉम हेयर दिस एम ए इक्वल टू टी प्लस म्यू एम जी। कंसिडर किया बच्चों, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है और हम इस बी ब्लॉक की बात करें जो कि इस सी ब्लॉक के रेस्पेक्टिवली रेस्ट पर है, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, दिस टेंशन टी इक्वल टू म्यू एन वन प्लस एम जी। सो फ्रॉम हेयर दिस एन वन इक्वल टू दिस एन वन इक्वल टू एम ए। बच्चों एन की एन वन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। सो फ्रॉम हेयर दिस टी इक्वल टू म्यू एम ए प्लस एम जी। कंसिडर किया कि ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड, सो दिस इज द एम ए इक्वल टू म्यू एम ए प्लस एम जी प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ टी सो प्लस म्यू एम जी। सो फ्रॉम हेयर
एम ए माइनस म्यू एम ए दैट इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एम जी. सो फ्रॉम हेयर एम, बच्चों मैंने एम को कैंसिल आउट किया दोनों तरफ से, दिस इज द ए माइनस म्यू ए दैट इक्वल टू जी प्लस म्यू जी. सो फ्रॉम हेयर ए वन माइनस म्यू दैट इक्वल टू जी वन प्लस म्यू. तो जहां से हम सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं द एक्सेलरेशन ए दैट इक्वल टू जी वन प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू. तो बच्चों एप्लाइड फोर्स एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सो एफ मैक्सिमम दैट इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, तो एम प्लस एम प्लस एम, सो दिस इज द एम प्लस एम प्लस एम इंटू ए. सो दैट एप्लाइड फोर्स मैक्सिमम दैट इक्वल टू एम प्लस ट्वाइस ऑफ एम इंटू ए, सो दिस इज द जी वन प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू. सो बच्चों ये आपका एप्लाइड फोर्स एफ की मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन आ चुका है और ये एप्लाइड फोर्स एफ की मिनिमम वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन है. इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और अगर आपके डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके.